लोक साहित्य का समाज में विशिष्ट स्थान है। लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें, मुहावरे इत्यादि लोक साहित्य की अमूल्य निधि हैं। प्रत्येक कहावत में कोई न कोई एक विशेष घटना, एक कहानी छिपी हुई है। एक कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास। इस कहावत के पीछे भी एक कहानी है। कबीरदास जी ईश्वर धुन में निमग्न तो रहते ही थे, साथ साथ जुलाहे का काम भी किया करते थे। कमाल और कमाली के जनोपरांत इस काम को ज्यादा ही निमग्न हो गए और इस कारण से संतों के बीच बैठना उठना, संत मिलन उनका कुछ कम हो गया। तो एक दिन संतों के मन में आया कि चलते हैं कबीरदास जी से, हम लोग स्वयं ही मिलते हैं। संतगण जब कबीरदास जी के पास पहुंचे तो देखते हैं कबीरदास जी ईश्वर धुन प्रभु धुन में गुनगुना रहे हैं और कपड़ा बुन रहे हैं। जैसे ही कबीरदास जी की नज़र संतों की ओर पड़ी तो कबीरदास जी कहते हैं कि आइए आइए पधारिए, संतगण बैठिए। लेकिन संतगण तो टकटकी लगा करके कबीरदास जी की ओर देख रहे थे। तो कबीरदास जी ने पूछा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तभी एक संत ने तपाक से कहा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास। यह सुनकर कबीरदास जी मुस्कुरा दिए और यह वाक्य ही कालांतर में एक कहावत के रूप में परिवर्तित हो गया।